हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आयोटा का स्टडी करेंगे। आयोटा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई से। एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर गिवेन है, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट फोर, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस टू। कितना आ जाएगा प्लस माइनस टू, तो यहाँ एक्स की दो रियल वैल्यू ऑब्टेन हुई, एक्स इक्वल टू प्लस टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू, दो रियल वैल्यू ऑब्टेन हुए। लेकिन अगर हमें इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर गिवेन आता और कहता एक्स की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए, तो क्लास टेंथ तक हम लोग इसको कहते हैं कि इसकी वैल्यू ऑब्टेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका रियल सोल्यूशन नहीं ऑब्टेंड होगा। वहां पे जब हम लोग कहते थे कि इसकी वैल्यू हम लोग ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम लोग रियल सोल्यूशन ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। इसका तो रियल सोल्यूशन ऑब्टेंड हो जाता है, लेकिन इसका अभी क्लास टेंथ तक हम लोग सीखे नहीं है। इसी को हम लोग क्लास इलेवेंथ में सीखेंगे कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर गिवेन है तो भी हम लोग इसके इमेजिनरी रूट फाइंड कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर, और इसे लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन इंटू फोर लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन और अंडर रूट फोर, और प्लस माइनस इसको लिखेंगे आई और ये हो जाएगा टू, तो ये हो गया प्लस माइनस टू आई। एक्स इक्वल टू ऑप्टेंड हो गया, कितना ऑप्टेंड हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू आई। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है, यहाँ पे दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई, एक प्लस टू आई ऑब्टेंड हुआ x इक्वल टू टू आई, और दूसरा जो ऑब्टेंड हुआ x इक्वल टू माइनस टू आई ऑब्टेंड हुआ। कितना ऑब्टेंड हुआ, x इक्वल टू माइनस टू आई, x की वैल्यू कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हुई, टू वैल्यू ऑब्टेंड हुई, x इक्वल टू टू आई एंड x इक्वल टू माइनस टू आई। अब कह दिया जाए आप बच्चों कि ये कौन सी वैल्यू है, क्या रियल वैल्यूज है, नहीं इमेजिनरी वैल्यूज है, ऐसी वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्लास टेंथ में कहते थे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते ही नहीं। हालांकि पॉसिबल था, इमेजिनरी रूट हमें ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे आई क्या है, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस आई है, और इसी को बोलते हैं आयोटा। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वाई वन के प्लेस पे ही आई यूज किए। और सेकेंड इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, ये जो रिजल्ट लिख रहे हैं याद रखना है। और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। और थर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, आई टू दी पावर फोर, आई टू दी पावर फोर का मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग माइनस वन लिखे हैं, इन टू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए वन हो जाए। ये तीन वैल्यू हमें याद रखनी है, आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होता है, आई स्क्वायर जो होता है माइनस वन होता है, एंड आई टू दी पावर फोर इक्वल टू क्या होता है वन होता है, क्या होता है वन होता है। अब इसका जो भी मल्टीपल होगा आई पर फोर का, आई पर फोर, आई पर एट, आई टू दी पावर ट्वेल्व, आई टू दी पावर सिक्सटीन, वो सब की सब वैल्यू वन ही होगी। आई टू दी पावर एट हो गया, आई पर पावर ट्वेल्व, आई टू दी पावर सिक्सटीन, आई टू दी पावर ट्वेंटी, इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सभी की वैल्यू होगी वन। अब हम लोग आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग इन सभी रिजल्ट्स का अप्लीकेशन सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा आई पर, आई से रिलेटेड देखते। गिवन रहेगा क्वेश्चन, इवेल्युएट फॉलोइंग, इवेल्युएट फॉलोइंग, किनका इवेल्युएशन कर रहा है, फर्स्ट I to the power 199, second I to the power minus 199, third I to the power 7 plus I to the power minus 3 plus I to the power 38। ऐसी कुछ वैल्यू दिया रहेगा, क्या क्या इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो कैसे इवेल्युएशन करेंगे भाई, फर्स्ट I to the power 199, जब भी ये 4 से बड़ा रहेगा तो 4 से डिवीजन कर देंगे, क्या करेंगे 4 से डिवीजन करते हैं 199 में, 199 4 टाइम्स जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 39, और 9 टाइम्स जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस के 3 बच जाएगा। तो कहता है 199 कितना होगा, 199 इक्वल्स होगा 4 इनटू
4 इंटू 49 और प्लस 3 हो जाए। अगर हम 199 को देखें, 199 तो ये कितना होगा, 4 इंटू 49 प्लस 3। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे i टू दी पावर 4 इंटू 49 प्लस 3, और इसे लिखेंगे i टू दी पावर 4 इंटू 49 और इंटू i टू दी पावर 3। i टू दी पावर क्या लिखेंगे, 3, और इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू i टू दी पावर 3, और 1 इंटू ए हो जाएगा i स्क्वायर इंटू i, i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 इंटू i इक्वल्स टू माइनस i, क्या हो जाएगा, माइनस i। अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड की है, i टू दी पावर 199 का। अगर हमें सेकेंड वाली माइनस 199 का फाइंड करना, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, बस इसे पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे, i पर माइनस 199 इक्वल टू 1 अपान कर देते हैं तो 199 मिल जाएगा, ये नेगेटिव साइन हट जाए, 1 अपान करेंगे। ये हम लोग पावर पढ़े हाई स्कूल का क्लास 10 तक, अब इसको अभी अभी तो लिखे थे i टू दी पावर 4 इंटू 49 प्लस 3, और इसी को लिख देंगे 1 अपान i टू दी पावर 4 इंटू 49 इंटू i पर 3, अलग अलग कर देते हैं, i टू दी पावर अलग कर देते हैं, i पर 3 अलग कर देते हैं। अब ये वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, 1 अपान i टू दी पावर 4 इंटू 49 इंटू इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, i टू दी पावर 3, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 हो जाएगी और इंटू i टू दी पावर 3, और 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, i टू दी पावर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i पर 4 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमें नीचे से i ऑलवेज हटा देंगे जब भी इसे लिखेंगे, तो i पर पावर 4 अपॉन i पर q, 1 के प्लेस पर, किसके प्लेस पे, 1 के प्लेस पे i पर 4 सब्स्टिट्यूट किए, कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा बच्चों, i, क्या बच जाएगा, i। तो इसका भी हम लोग इवैल्यूएशन कर लेंगे। अब थर्ड का देखते हैं कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, थर्ड क्या की में देखते हैं, थर्ड यहाँ पे गिवन है i टू दी पावर 7, i टू दी पावर माइनस 3 एंड i टू दी पावर 38। इसको क्या लिखेंगे, i पर 4 का फैक्टर लिखते हैं, i पर 4 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन i टू दी पावर 3 प्लस i टू दी पावर 38 को क्या लिखेंगे बच्चों, i पर 4 इंटू 9 और प्लस 2। अभी इसको 4 से डिवाइड कर दें 38 को, तो 4 9 का 36 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, इसे लिखेंगे 38 इक्वल टू 4 इंटू 9 और प्लस 2। यहां से वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, i पर पावर 4 इंटू i पर 3 और प्लस 1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, i पर 4 अपॉन i पर q, इस 1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, i पर 4, ताकि नीचे से i हट जाए, ये लिखेंगे i पर 4 इंटू 9 इंटू i स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, i पर 4 1 इंटू i पर q प्लस यहाँ पे i बच जाएगा प्लस ए 1 हो जाएगा इंटू i स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो i स्क्वायर इंटू i कर दें, i स्क्वायर इंटू क्या कर दें, i प्लस i और प्लस माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 i और ये प्लस i और माइनस क्या है 1 है, इसकी वैल्यू माइनस 1, ये i रह गया, ये i और ये माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस i प्लस i और माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल्स टू माइनस 1, क्या हो जाए बच्चों, माइनस 1। तो इस प्रकार i से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सिंपली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तीन रिजल्ट याद रखना, i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, i स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 एंड i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, क्या 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक हम लोग केवल आयोटा आई का स्टडी किए हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे या जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बी के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से रिप्रेजेंट करेंगे और z इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखेंगे, z इक्वल टू x प्लस
आई वाई लिखेंगे। इसमें जो यह है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो वाई है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और अगर इसको लिखना है कैसे लिखते हैं, आर ई जेड, अगर कहीं पर आर ई जेड लिखा है तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई ले लिया गया, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है एक्स है। और अगर कहीं पर ऐसे लिखा आई एम जेड, आई एम जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट, जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई है, क्या बच्चों वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर जेड इक्वल टू गिवेन है कहीं 2 + 3i, 2 + क्या गिवेन है 3i, और लिखना रियल जेड, तो रियल जेड इक्वल क्या लिखेंगे 2, और अगर हमें इमेजिनरी जेड लिखना हो तो इमेजिनरी जेड इक्वल क्या लिखेंगे 3। रियल जेड जो होगा वह 2 के इक्वल होगा, इमेजिनरी जेड जो होगा वो 3 के इक्वल। तो इसका हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए, आर ई का मतलब और आई एम का मतलब। अगर कह दिया जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन, कंपैरिजन आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं, कभी भी ये नहीं बताया जा सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करना चाहें और लिख दे जेड वन इक्वल टू 2 + 3i और जेड टू इक्वल टू 2 - 3i, तो कह दे कौन सा नंबर बड़ा होगा, नहीं बता सकते हैं। वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल है तब तो हो जाएगा, मतलब यही बता सकते हैं कौन सा बड़ा होगा, इसमें जेड वन बड़ा है जेड टू से और जेड टू बड़ा है जेड वन से, ये हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जेड वन इक्वल टू 2i गिवेन हो और जेड टू इक्वल टू -2i, तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग को रियल नंबर दिया जाता है, जैसे जेड वन इक्वल टू केवल 2 दे दे और जेड टू इक्वल टू -2 दे दे, तो हम लोग बता देते हैं कि जो 2 होगा वह -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। तो याद रखना हमें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो या इमेजिनरी नंबर गिवेन हो और कह दे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर बड़ा होगा, तो उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इक्वलिटी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी क्या होता है, अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवेन हो जेड वन इक्वल्स टू जेड टू, क्या दिया हो, और ए प्लस आई बी इक्वल्स टू सी प्लस आई डी गिवेन हो, ए प्लस आई बी इक्वल्स टू सी प्लस आई डी गिवेन हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, हेंस ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवेन हो कहीं पर एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री आई इक्वल्स टू 4 + 7, और कह दे हमें 7i, कह दे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो रियल पार्ट क्या है एक्स माइनस टू, रियल पार्ट क्या है 4, तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, क्या बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस थ्री, इमेजिनरी पार्ट क्या है 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह हम लोग इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सेम वैसे करेंगे जैसे एलजेब्रिक सम करते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जेड वन प्लस जेड टू अगर हमें फाइंड करना हो तो जेड वन की अज्यूम कर लेते हैं एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स टू प्लस आई वाई टू, जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू, जेड वन का रियल पार्ट एक्स वन इमेजिनरी पार्ट वाई वन, जेड टू का रियल पार्ट एक्स टू इमेजिनरी पार्ट वाई टू।
अब कर दिया जाए अगर एड करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से एड कर देंगे एक्स वन प्लस एक्स टू और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से वाई वन प्लस वाई टू और यहां पे आई कॉमन हो जाएगा इंटू आई। तो अगर कर दिया फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवेन हो क्या गिवेन हो जेड वन इक्वल टू टू माइनस थ्री आई एंड जेड टू इक्वल टू फोर प्लस सेवन आई अकादे दोनों को एड कर दीजिए जेड वन प्लस जेड टू क्या हो गई दो में एड कर दे रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ये हो जाएगा सिक्स और प्लस फोर आई क्या हो जाएगा सिक्स प्लस फोर आई। अब देखते हैं हम लोग इसी प्रॉपर्टी क्या होगी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनके एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होगी क्या होगी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम यहां पे प्रॉपर्टी देखें एडिशन में तो क्या क्या होगा ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा फॉलो क्लोजर लॉ क्या होता है भाई अगर जेड वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो कौन सा नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर और जेड टू भी क्या हो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर हो कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो तो जेड वन प्लस जेड टू भी क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इंप्लाइज है जेड वन प्लस जेड टू इज आल्सो जेड वन प्लस जेड टू इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है क्लोजर लॉ क्या क्लोजर लॉ है जेड वन और जेड टू दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन दोनों का जो सम ऑब्टेंड होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेंड होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई बाई वन एंड जेड टू इक्वल टू क्या गिवेन हो एक्स टू प्लस आई बाई टू तो यहां से जेड वन प्लस जेड टू जब फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से एड कर देते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से क्या करेंगे वाई वन प्लस वाई टू इंटू आई तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑब्टेंड होगा। सेकेंड जो आएगा वो होगा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो किसको फॉलो करेगा कॉम्यूटेटिव लॉ इसको कॉम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग स्टेट में भी पढ़े जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन देखते हैं कैसे जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन ये हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दें जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई बाई वन एंड जेड टू इक्वल टू बी वन हो एक्स टू प्लस आई बाई टू तो यहां से जेड वन प्लस जेड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू और एड करेंगे तो क्या आएगा जेड वन प्लस जेड टू का मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू और प्लस वाई वन प्लस वाई टू क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू इंटू आई और राइट हैंड साइड अगर ले लें तो राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे बच्चों जेड टू प्लस जेड वन एक्स टू प्लस एक्स वन और प्लस वाई टू प्लस वाई वन इंटू आई हो जाएगा तो एक्स टू प्लस एक्स वन को एक्स वन प्लस एक्स टू तो लिख सकते हैं एक्स वन प्लस क्या लिख सकते हैं एक्स टू लिख सकते हैं इसको वाई वन प्लस वाई टू भी लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा आई। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें ध्यान से तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है क्या है बच्चों इक्वल है इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है फॉलो एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग सेट में पढ़े हैं क्या होता है जेड वन प्लस जेड टू एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और प्लस क्या कर देते हैं जेड थ्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहां से एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल्स टू ये एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है। अब जेड वन जेड टू एक ब्रैकेट में है जेड थ्री बाहर है नेक्स्ट क्या करेंगे जेड वन को बाहर कर देंगे और जेड टू और जेड थ्री को एक ब्रैकेट में कर लेंगे इसको भी हम लोग सिंपली देख सकते हैं क्या कर सकते हैं जेड वन इक्वल टू ले लेंगे एक्स वन और प्लस आई वाई वन जेड टू इक्वल टू ले लेंगे एक्स टू प्लस आई वाई टू एंड जेड थ्री इक्वल टू ले लेंगे एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर या और या लेफ्ट और राइट से डिफाइन करेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। आगे चलते कि इसमें टाइम वेस्ट होगा सेकेंड नंबर और ये कौन सा था ये थर्ड नंबर होगा फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड नंबर फोर्थ नंबर भी देखते हैं
फोर्थ नंबर में आता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को एड किया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट न पड़ने पाए, कौन सा होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होगा? आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों? ऐसा नंबर जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट न पड़े, इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस 0 आई को ऐड कर दिया जाए, हैंस 0 को ऐड कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। जेड प्लस 0 प्लस 0 आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? जेड ही लिखेंगे। तो हम लोग सिंपली याद रखेंगे कि 0 जो होता है इसको 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। 0 एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और जो फिफ्थ नंबर में आएगा वो आएगा एडिटिव इनवर्स। क्या है बच्चों? एडिटिव इनवर्स आएगा। और ये क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में एड करने पर वो जीरो ऑटेंड हो जाए या एडिटिव आइडेंटिटी ऑप्टेंड हो जाए। हेंस अगर इसे फॉर्मुलेट करें तो क्या ऑप्टेंड होगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऑप्टेंड होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एडिटिव, एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 0। या तो 0 लिखे या एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अगर इसे फॉर्मुलेट करें तो ऐसा ऑप्टेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड गिवन हो और एडिटिव इनवर्स जेड वन गिवन हो और एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं जीरो होता है तो जेड वन इक्वल टू क्या ऑप्टेंड हो जाएगा? माइनस जेड। इसका मतलब जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस जेड के इक्वल ऑप्टेंड होगा। हेंस इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें कहीं पर गिवेन हो जेड इक्वल टू 2 + 3i और डायरेक्टली इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, क्या लिखिए? एडिटिव इनवर्स। तो क्या होगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स का होगा माइनस, माइनस जेड का मतलब माइनस 2 माइनस 3i, माइनस 2 माइनस 3i। तो दो चीजें हमें याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी याद रखना है और एडिटिव इनवर्स याद रखना है। तो ये था एडिशन। जैसे एडिशन होगा वैसे ही सब्सट्रैक्शन हो जाता है। अब जरा हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या होगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर सेम मल्टीप्लीकेशन होगा जैसे एलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन होता है। एज्यूम कर लेते हैं जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन है और जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू है। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेंड किया जाए जेड वन जेड टू इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड एक्स टू प्लस आई वाई टू हो जाएगा। एक्स वन प्लस आई वाई टू मतलब एक्स वन एक्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू इंटू आई। फिर इस कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आई वाई वन का, तो प्लस आई वाई वन एक्स टू वाई वन एक्स टू और प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा? वाई वन वाई टू हो जाएगा, वाई वन वाई टू। यहां से जो वैल्यू होगा x1 x2 प्लस यहां पर बचेगा x1 y2 प्लस y1 x2, y1 x2 इनटू में क्या आ जाएगा? i, क्या हो जाएगा? i और a हो जाएगा माइनस वन y1 y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y1 y2 चाहे तो रियल पार्ट एक पास में करने x1 x2 माइनस y1 y2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 इनटू i। जेड वन जेड टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेड वन जेड टू इक्वल टू। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लीकेशन करते थे सेम वैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग एडिशन के लिए पढ़े हैं उतनी ही प्रॉपर्टी किसके लिए होगा?
मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होगा, तो ये भी क्या करेगा, फॉलो क्लोजर लॉ। किसको फॉलो करेगा, फॉलो क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। इसको क्लोजर लॉ हेंस अगर जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कौन सा नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड टू भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब इनका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा हेंस जेड वन जेड टू, क्या जेड वन जेड टू, इसके पहले जेड वन प्लस जेड टू के क्यों एडिशन होता था, इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड वन इंटू जेड टू, ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इसका एक्सरसाइज में एप्लीकेशन नहीं है, बस हमें याद रखना है। दूसरा फॉलो कॉमुटेटिव लॉ, किसको फॉलो करेगा बच्चों, कॉमुटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। और कॉमुटेटिव लॉ क्या होता है, जेड वन जेड टू इक्वल्स टू जेड टू इंटू जेड वन, यहाँ पे जेड वन जेड टू है, जेड टू जेड वन है। थर्ड जो लॉ होगा वो कौन सा होगा बच्चों, एसोसिएटिव लॉ, कौन सा, फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ, ये हो जाएगा जेड वन जेड टू एक ब्रेकेट में और जेड थ्री बाहर इक्वल टू, अब जेड वन को बाहर कर देते हैं और जेड टू और जेड थ्री का एक साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले जेड वन जेड टू का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जेड थ्री का, और जब यहाँ पे आएंगे तो जेड टू और जेड थ्री का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके साथ जेड वन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े उसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था तो उसको एड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, यहां पे कौन सा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एडिटिव, कौन सा एडिटिव, वो भी आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या डिफरेंस था, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव है एडिटिव है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग सेम का मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिसको एड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर कह दीजिए जेड में हम लोग वन का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, इसका मतलब जो वन होगा या वन प्लस जीरो आई होगा उसे बोलेंगे एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे जीरो या जीरो प्लस जीरो आई को बोले थे, तो याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, जीरो, जैसे जेड में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड ही ऑब्टेंड होगा, वैसे ही अगर जेड के साथ वन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी क्या हमें ऑब्टेंड होगा, जेड ही ऑब्टेंड होगा, क्या ऑब्टेंड होगा, जेड ऑब्टेंड होगा। अब सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे फिफ्थ था इसे पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या पढ़ेंगे, इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यहाँ पे क्या है एडिटिव इनवर्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके एडिटिव इनवर्स, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, वन हो जाए, क्या हो जाए, इसका मतलब ऐसे मल्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या ऑब्टेंड हो जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसके पहले भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला आया था, वहां था कॉम्प्लेक्स नंबर इसके लिए इनटू यहां पे क्या था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं था, एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं जेड है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन है, तो यहाँ पे जब जेड वन ऑब्टेन करेंगे तो वन बाय क्या ऑब्टेन हो जाएगा, जेड इक्वल टू जेड पर माइनस वन, तो
तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को जेड टू दी पावर माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेम फॉर्मूला है जो इसमें हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं जरा इन दोनों, इस पर क्वेश्चन गिवन रहता है हमें, अगर हमें कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और कह दे हमें उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। कौन सा बच्चों? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो एज्यूम कर लेते हैं गिवन है जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई। क्या गिवन है? टू माइनस थ्री आई। अब क्या देगा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड कीजिए, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? ऑलवेज जेड इंटू जेड वन इक्वल टू क्या लिखेंगे? वन। लेट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ जेड इज जेड वन। जेड का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जेड वन है, तो जेड इंटू जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा यहां से, और जेड वन इक्वल टू हो जाएगा वन बाई जेड। वन बाई जेड हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और ऐसे लिखे वन बाई जेड की वैल्यू कितना है? टू माइनस थ्री आई। अब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो वन अपॉन टू माइनस थ्री आई, और इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू प्लस थ्री आई अपॉन टू प्लस थ्री आई। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आई अपॉन ए माइनस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो टू स्क्वायर माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का है तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से क्या ऑप्टेंड हो जाएगा बच्चों? टू प्लस थ्री आई अपॉन ए ऑप्टेंड हो जाएगा फोर, और ये माइनस नाइन आई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस नाइन स्क्वायर टू प्लस थ्री आई अपॉन ए हो जाएगा फोर माइनस नाइन, और ये माइनस वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आई अपॉन ए हो जाएगा नाइन। फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन। टू प्लस थ्री आई अपॉन क्या लिखेंगे? थर्टीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्टीन। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। आप देखते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग एलजेब्रिक डिवीजन करते हैं सेम वैसे ये भी होगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा बच्चों, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? तो डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करें? जेड वन अपॉन जेड टू, सेम प्रोसेस वही होगा। एज्यूम कर लेते हैं जेड वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आई गिवन है, और जेड वन इक्वल टू वन प्लस आई गिवन है। वन प्लस क्या गिवन है? आई। तो अगर हमें जेड वन बाई जेड टू फाइंड करना हो या जेड टू बाई जेड वन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा देखते हैं जरा। तो जेड वन बाई जेड टू जब करेंगे तो जेड वन की वैल्यू क्या है? टू प्लस थ्री आई, या बच्चों टू प्लस थ्री आई, और जो जेड टू की वैल्यू है वन प्लस क्या है? आई है। जेड वन बाई जेड टू कर देंगे, जो हमें यहाँ पे गिवन है उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे थ्री आई, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वन प्लस आई का कंजुगेट क्या हो जाएगा? वन माइनस आई। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई डिफरेंस न आने पाए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, टू का वन में टू हो जाएगा, टू का माइनस आई में माइनस टू आई हो जाएगा, थ्री आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री आई, और थ्री का माइनस थ्री आई स्क्वायर हो जाएगा। अपान लिखेंगे वन का वन में वन हो जाएगा, वन का माइनस आई में आई हो जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। यह और यह कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा? यहां पर जाएगा टू और ए माइनस और प्लस, ए भी आई है, ए भी आई है, थ्री आई माइनस टू आई सबसे कर देंगे प्लस आई बच जाएगा माइनस थ्री, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस वन। अपान वन माइनस माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस आई प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल टू फाइव प्लस आई बाई टू। फाइव प्लस आई बाई क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो डिवीजन भी सेम वैसे करेंगे जैसे हम लोग एलजेब्रिक डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो
अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन हो, क्या गिवेन हो, जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड बार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से, और डिफाइन कैसे होगा, इफ जेड इक्वल टू गिवेन हो एक्स प्लस आई वाई, अगर z की वैल्यू x प्लस आई गिवेन हो तो z बार इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही ये बार घटेगा तो x और यहां पे माइनस आई वाई हो जाएगा, तो इसकी इसका डिफिनेशन क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका बस साइन बदल जाएगा, रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लोग फाइंड करेंगे तो जेड बार लिख देंगे, जब भी गिवन रहेगा उसको बार ले लेंगे, और रियल पार्ट तो वही रहेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो पहला, इफ जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आई गिवन हो, 2 प्लस क्या गिवन है 3 आई, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आई हो जाएगा, जब इस पर बार फाइंड करेंगे यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सेकेंड, इफ जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आई गिवन है, तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा 2 ही रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा 3 आई हो जाएगा। थर्ड, अगर गिवन हो जेड इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 आई गिवन हो, माइनस 2 माइनस 3 आई, तो जेड बार जब फाइंड करेंगे ये तो माइनस 2 रहेगा लेकिन ये प्लस क्या हो जाएगा 3 आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3 आई। और फोर्थ, अगर दिया हो जेड इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 3 आई, और जेड बार फाइंड करें क्या है बच्चों, ये तो वैसे ही रहेगा, इसका साइन बदल जाएगा माइनस 3 है, इसका मतलब जेड बार जब भी फाइंड करेंगे तो जो आई का साइन होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब हम लोग इसकी जरा प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजुगेट की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट का प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर यहां पे गिवेन हो जेड बार और उसका भी कंजुगेट फाइंड कर लिया जाए तो जेड आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं जरा, जेड इक्वल टू रिज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लस आई वाई गिवेन है, जेड इक्वल टू क्या गिवेन है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार इक्वल टू क्या होता है, जेड बार का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और इसका अगेन एक बार कंजुगेट लेते हैं, जेड बार का बार इक्वल्स टू इसका बार जब लेंगे तो ये फिर साइन चेंज हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और जेड बार का बार हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब जेड बार इक्वल टू हो जाएगा जेड, जेड डबल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। सेकेंड जो हम लोग अगर फाइंड करें तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को एड कर दें तो क्या ऑप्टेंड हो जाएगा हमें, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसा कहीं भी लिखा हो इसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन, एक्स प्लस क्या गिवन आई वाई, एंड जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दोनों को एड कर देंगे तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स, वो जीरो हो जाएगा, एक्स क्या है एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स रियल पार्ट ऑफ क्या है जेड, ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार इक्वल टू, इसका रियल पार्ट इक्वल टू लिखे टू ए रियल पार्ट ऑफ क्या है जेड है, रियल पार्ट ऑफ क्या है जेड, ओनली जेड प्लस जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे जेड, इसको टू एक्स को लिखेंगे टू रियल पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली अगर हम लोग जेड माइनस जेड बार देखें तो टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा, कैसे देखते हैं, जेड इक्वल टू रिज्यूम कर लेते हैं अगेन एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों एक्स माइनस आई वाई, और अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दें
जेड माइनस जेड बार, इसमें से इसको सब चेक करें तो यह हो माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू टू वाई या टू आई वाई है, टू वाई इंटू आई, क्योंकि आई और आई एड हो जाएगा और आई आई कॉमन हो जाएगा, टू वाई और वाई टू वाई हो जाएगा, इसे लिखेंगे जेड माइनस जेड बार इक्वल्स टू, टू अलग हो जाएगा, टू अलग हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे थोड़ा ए टू आई रहेगा, टू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो जरा ये भी समझने वाली बात है कि यहाँ प्योर रियल नंबर ऑब्टेंड हो, ये प्योर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा रियल नंबर, और यह प्योर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, जेड प्लस जेड बार विल बी प्योर रियल नंबर एंड जेड माइनस जेड बार विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट हट जा रहा है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हट जा रहा है। तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है फोर्थ में, थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ में, अगर हमें जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई गिवन हो तो जेड बार इक्वल टू क्या है टू माइनस थ्री आई, इसका मीनिंग ये हुआ कि यह एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म कराता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स कितना है टू वन एंड टू, वाई कितना गिवन है यहाँ पे थ्री वन टू थ्री, इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलेंगे टू कॉमा थ्री, और अगर टू एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू क्या है माइनस थ्री, तो वन टू थ्री यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मिलेगा टू कॉमा माइनस थ्री। तो ध्यान से देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज है, क्या है इमेज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो कंजुगेट का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, क्या इमेज कैसे, अगर जेड इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर आई भी गिवेन हो तो जरा इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, इसको एक्स और वाई एक्सिस को। अब यहां पे एक्स की वैल्यू कितना गिवेन है माइनस थ्री वन टू माइनस थ्री, और वाई की वैल्यू कितना गिवेन है माइनस फोर वन टू थ्री माइनस फोर, तो ये होगा माइनस थ्री माइनस फोर। जैसे ही हम लोग जेड बार फाइंड करेंगे तो जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो माइनस थ्री ही रहेगा लेकिन इसका साइन बदल जाएगा प्लस फोर आई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल वन टू माइनस थ्री वाई इक्वल फोर वन टू थ्री फोर, इन दोनों को जब मैच करा देंगे तो हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा फोर, अगेन एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज मिल गया। तो अगर कंजुगेट को सिंपली समझा जाए आर्गेंट फ्रेम पर तो क्या हो जाएगा इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर मॉडुलस का मतलब समझे हम लोग जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवेन हो तो इसके मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा मॉड जे इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। आर्गेंट प्लेन पर देखें तो क्या मिलेगा हमें, यह एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस हो जाएगा, यह एक्स यहां से यहां तक एक्स ज्यूम कर लेते हैं और यहां से यहां तक वाई, तो कह दिए जेड जो होगा ये होगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या होगा एक्स प्लस यह एक्स और ए वाई, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और अगर कह दिया जाए हमें यहां पर ये जो लेंथ होगा ये होगा मॉड जेड, क्या होगा मॉड जेड, मॉड जेड का मतलब ओरिजिन से यहां तक का जो लेंथ होगा यह एक्स ए वाई, ये हो जाएगा मॉड जेड, क्या हो जाएगा मॉड जेड अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा हम लोग मॉडुलस फाइंड करना सीखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का, फाइंड मॉडुलस ऑफ इक्वेशन गिवन है, फाइंड मॉडुलस ऑफ फर्स्ट जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, सेकेंड गिवेन है जेड इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई, थर्ड गिवेन है जेड इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आई, एंड फोर्थ गिवेन है जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई। इन चारों का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों मॉडुलस, कैसे फाइंड करेंगे
सॉल्यूशन में देखते हैं। जेड मॉड जेड जब फाइंड करेंगे ये फर्स्ट है, अगर इसका हम लोग मॉड जेड फाइंड कर ले मॉडुलस क्या देगा, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट फोर प्लस नाइन इक्वल्स टू थर्टीन, क्या आ जाएगा थर्टीन। सेकेंड का अगर मॉडुलस हम लोग फाइंड करें इसका, तो मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर है माइनस टू का स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट कितना है क्योंकि ये फोर ही होगा, माइनस के स्क्वायर करने प्लस हो जाएगा ये भी और ये नाइन अंडर रूट थर्टीन। अगर थर्ड वाले का हम लोग मॉडुलस फाइंड करें तो भी जेड इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर और प्लस नाइन इक्वल टू अंडर रूट थर्टीन, क्या हो जाएगा अंडर रूट थर्टीन। अगर फोर वाले का फाइंड करें मॉड जेड तो मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट फोर प्लस नाइन इक्वल टू अंडर रूट थर्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट थर्टीन। सभी क्वेश्चन का जो मॉडुलस ऑब्टेंड हुआ है वो अंडर रूट थर्टीन ऑब्टेंड हुआ है, जरा इसको हम लोग आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करें और देखते हैं हम लोग क्या इसका मीनिंग है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस फर्स्ट वाले को देखें तो यहां पे जो जेड इक्वल टू गिवन है टू प्लस थ्री आई एक्स इक्वल टू टू, ये पहला एक्स रहता है, दूसरा वन एंड टू वाई प्लस थ्री वन टू एंड थ्री, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो ये ऑप्टेंड हो जाएगा टू प्लस थ्री ये मॉड जेड होगा, इसके लिए ये जेड इक्वल टू है, ये क्या है मॉड जेड और यहां पे जेड इक्वल क्या है टू प्लस थ्री आई माइनस टू प्लस थ्री आई एक्स इक्वल टू क्या गिवन है माइनस टू, तो एक्स एक्सिस पे वन एंड टू माइनस टू, वाई इक्वल क्या है थ्री वन टू थ्री, इन दोनों को मिला दिया जाए यहां पे जो ऑप्टेंड होगा जेड इक्वल टू माइनस टू और प्लस थ्री आई और ओरिजिन से ये हो जाएगा मॉड जेड इसके लिए। नेक्स्ट माइनस टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू वन माइनस टू माइनस थ्री का मतलब वन टू एंड थ्री, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री आई और ये हो जाएगा मॉड जेड, क्या हो जाएगा मॉड जेड। यहां पे अगर ऑब्टेंड करें तो एक्स इक्वल टू टू वन एंड टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री ये आ जाएगा वन टू थ्री, इन दोनों को मैच करा दिया जाए तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, अब इन दोनों को मिला दिया ये हो जाएगा मॉड जेड, क्या बच्चों मॉड जेड हो जाएगा। इसका मतलब सब लेंथ इक्वल होगी, यहां पे लेंथ से मतलब है मॉडुलस का मतलब क्या होगा, मॉडुलस का मतलब लेंथ होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखेंगे पहला, अब हम लोग क्या देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होगी पहला देखते हैं, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू, अलग अलग हो जाएगा। अगर जेड वन जेड टू का होल का मॉडुलस लें तो मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू, सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू अलग अलग मॉड हो जाएगा मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई ले लिया जाए तो मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फाइंड किया जाए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो इसका कंजुगेट मॉड कंजुगेट जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अगर इसका मॉडुलस फाइंड किया जाए तो अंडर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जेड जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, एक किस फॉर्म का है ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी के फॉर्म का है तो जेड जेड बार इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाए बच्चों
एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। आई वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और जेड जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन होता है, तो यहां से जेड जेड बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो मोड जेड इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे मॉड जेड स्क्वायर लिख देंगे, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज जे और आई टी एडवांस में बहुत ज्यादा किया गया है इसलिए, लेकिन हम लोग बोर्ड में बहुत कम अप्लीकेशन है इसका, लेकिन फिर भी हम लोग को इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। इसमें कंजुगेट भी आ गया और मॉड भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया। अब हम लोग जरा ये सीखते हैं कि मॉडुलस से रिलेटेड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मॉडुलस से रिलेटेड हमें कोई इक्वेशन दे दें तो कैसे हम लोग कैच करेंगे कि उसे मॉडुलस से ही सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल दे दें, ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एम प्लस आई एन। और प्रूव करने के लिए हमें दे दें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर गिवन हो और बीच में प्लस गिवन, स्क्वायर गिवन है प्लस गिवन है, स्क्वायर गिवन है प्लस गिवन, तो सिंपली हम लोग समझ जाएंगे कि मॉडुलस लेना है। क्या लेना है बच्चों, मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ, दोनों साइड का जब मॉडुलस हम लोग ले लेंगे ये हो जाएगा a और प्लस आई बी इक्वल्स टू ए मॉडुलस एक्स प्लस आई वाई अपॉन एम प्लस आई एन। मॉडुलस दोनों साइड का ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, जब मॉडुलस हटेगा तो अंडर क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अलग अलग, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि मॉड जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल्स टू मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू, उसी के बेसिस पे आप लिखेंगे तो मॉड एक्स प्लस आई वाई अपॉन ए क्या लिखेंगे एम प्लस आई एन। ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बच जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहां बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अभी प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह इसके क्वेश्चन और भी गिवन हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहां पर ले लें ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री एक्स फोर प्लस आई वाई फोर। और प्रूव करने के लिए दे सकता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना रहे बच्चों, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर एक्स फोर स्क्वायर प्लस वाई फोर स्क्वायर। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा उसे लिखेंगे एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री एक्स फोर प्लस आई वाई फोर, ये गिवन है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बीच में प्लस गिवन है स्क्वायर गिवन है, प्लस गिवन है स्क्वायर गिवन है, समझ जाएंगे मॉडुलस लेना है, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं मॉडुलस। ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री एक्स फोर प्लस आई वाई फोर, ये मॉडुलस हो गया टोटल।
लेकिन हम जानते हैं कि मॉडुलस को अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड एक्स वन प्लस आई वाई वन, ये हो जाएगा ए एक्स टू प्लस आई वाई टू, ये हो जाएगा एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री, ये हो जाएगा ए एक्स फोर प्लस आई वाई फोर, एक्स प्लस आई वाई फोर हो जाएगा। अलग अलग मॉडुलस लिखिए सबका, अब इधर वाला भी मॉडुलस हटेगा तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए एक्स फोर स्क्वायर प्लस वाई फोर स्क्वायर। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमें जो गिवन रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, एक्स फोर स्क्वायर प्लस वाई फोर स्क्वायर। तो सिंपल इसका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर स्क्वायर गिवेन है बीच में प्लस साइन गिवेन है तो हम लोग मॉड लेकर किसी भी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं।